नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, उदारवाद। अगर आप उदारवाद को अच्छे से समझ गए तो इसमें जो बाकी के 7 चैप्टर हैं, राज्य का, अधिकार का, कर्तव्यों का, लोकतंत्र का, न्याय का, इसको आप अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा लेक्चर बनाऊंगा मैं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2019 के मेंस में भी आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उदारवाद होता कहाँ, होता क्या है, उदारवाद आया कहाँ से, उदारवाद के प्रकार कितने हैं, उदारवाद की कमियां क्या हैं, उदारवाद के ही विरोध में तो मार्क्सवाद आया था, है ना, और मार्क्सवाद साम्यवाद का आज की डेट में हल्का रूप समाजवाद चल रहा है, तो ये पूरी क्या डिबेट है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस डिबेट को जानने से पहले हमको बहुत पीछे चलना पड़ेगा। एक ऐसा समय था जहाँ राजतंत्र का शासन चल रहा था। मेरी राजतंत्र लोकतंत्र पे वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो एक समय राजतंत्र था और धर्मतंत्र था। शॉर्ट में समझें तो राजा और धर्म दोनों मिलकर राज चला रहे थे। राजा संप्रभु था, वही कानून बनाता था, वही कानून का पालन करता था, और दंड और न्याय भी वही देता था। अगर अच्छा राजा है तो बढ़िया से देश चल रहा है, और अच्छा राजा नहीं है तो फिर देश में अराजकता की व्यवस्था है। ठीक है, धर्म और राजतंत्र एक दूसरे से घुले हुए थे बहुत सी स्थितियों में। देखिए, इसमें वेरिएशन भी है, पर आप अभी होलिस्टिक पिक्चर समझने का प्रयास कीजिए। धर्म राजा का साथ देता था और वह ये बताता था कि यह राज्य और राजा देवताओं द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देवताओं की जो यहाँ अनुकंपा है वो राज्य के रूप में है, और राजा देवों का प्रतिनिधि है, इसलिए इसका शासन मान लो। तो इस समस्या ये शासन तंत्र कहीं 2000 साल कहीं 3000 साल चलता रहा, और इसमें जनता परेशान हो गई क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करती है और अधिक सत्ता अधिक भ्रष्ट करती है। तो जब मध्यकालीन काल में जब एक समय आया तो राजतंत्र और धर्मतंत्र भी आपस में लड़ने लगे। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ने लगे, तो राजाओं की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होनी चली गई, और वहाँ पर नींव रखी गई उदारवाद की। ठीक है, तो उदारवाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीजों में इसका बीजारोपण है कि बटा हुआ समाज था। राजा सामंत ये बड़े वर्ग थे, शोषणकारी थे, और बाकी जनता जिनको कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य उनको थे, दास प्रथा थी। ठीक है, राजतंत्र में बहुत सारी कमियां थी, और उसी समय पुनर्जागरण चालू हुआ कि व्यक्ति ने धर्म से ऊपर उठकर तर्क लगाकर, हर चीज़ पे तर्क लगाकर, विवेक लगाकर कार्य करना चालू हुआ। इस समय में सुधार काफ़ी हुए, तर्क को बढ़ावा दिया गया, और लोगों ने तर्क के आधार पर ये निकाला कि भाई राज्य बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा होता है। राज्य कोई देवी उत्पत्ति नहीं है, यह तो व्यक्तियों द्वारा अपने हित के लिए बनाया गया है। तो व्यक्ति बड़ा है, राज्य छोटा है। राजतंत्र में क्या होता था, राज्य बड़ा है और व्यक्ति छोटा है, और व्यक्ति को राज्य के नाम पर अपना सर्वस्व दे देना चाहिए, राज्य से सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो इस विचारधारा का खंडन हो गया। राज्य के देवी सिद्धांत की आलोचना की गई, धर्मतंत्र की आलोचना की गई, और व्यक्ति को सर्वोच्च माना गया। अब यही पॉइंट विवादी है, यही पॉइंट सबसे बढ़िया है इसमें कि व्यक्ति क्या है, सर्वोच्च, और
उदारवाद ये कहती है कि व्यक्ति सर्वोच्च है और वो जितनी भी संस्थाएं बनाएगा, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो नैतिक व्यवस्था हो, आदमी इतना बुद्धिमान है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हित के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी संस्थाएं बना सकता है और यही इसकी नींव है। इसी समय सब लोग, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, बराबरी की भावना आई, समानता की भावना आई, स्वतंत्रता की भावना आई और इन मूल्यों को धीरे धीरे बढ़ावा दिया गया। इसमें कई बहुत सारे दार्शनिकों का आए जिन्होंने राजतंत्र से धीरे 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 लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाने में मदद किया। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है, उदारवाद को आने में भी काफ़ी समय लगा। तो इसमें मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, इस तरह के बहुत सारे दार्शनिकों की एक चेन है जिन्होंने धीरे धीरे आगे किया। मैकियावेली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसने धर्म को राजनीति से अलग किया और राजनीति को देवीय सिद्धांत को धीरे से खारिज करते हुए व्यक्तियों के रूप में राज्य को ले आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब उदारवाद के लक्षण देख लेते हैं। उदारवाद के लक्षण दे सकते हैं बेट दोस्तों, इसमें तीन सवाल बनते हैं, उदारवाद क्या है या फिर नकारात्मक उदारवाद क्या है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्या कमियाँ हैं, सकारात्मक उदारवाद क्या होता है और आज की डेट में जो नव उदारवाद आया है न्यू लिबरलिज्म क्या है, ये तीनों क्या हैं, इनकी कमियाँ क्या हैं, इससे एक सवाल ज़रूर बनता है। तो आइए उदारवाद देख लेते हैं। यह राजनीति का वह सिद्धांत है जिसमें मनुष्यों को विवेकशील प्राणी मानता है, रैशनल बीइंग। इससे पहले माना जाता था कि जनता रैशनल नहीं है, राजा उनका मार्गदर्शन करेगा, धर्म उनका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन उदारवाद में क्या कहा गया कि नहीं, व्यक्ति रैशनल प्राणी है, वो विवेकशील प्राणी है, वह अपने निर्णय, अपना हित जानता है कि उसका हित किस में है, वो अपने हिसाब से संस्थाएं बना लेगा जिसमें लोकतंत्र भी शामिल है और जितनी भी संस्थाएं आज आपको देखते हैं, चाहे स्कूल हैं, उद्योग हैं, या वह उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन कानूनों को मानना चाहिए। तो क्या कहता है सिद्धांत, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम माना, कि वो मनुष्य को ऊपर कर दिया और बाकी चीज़ों को नीचे कर दिया और बोला व्यक्ति इतना विवेकशील है कि वह इसको अपने हिसाब से संस्थाएं बना लेगा। तो देखिए, ये आप हैं, विवेकशील प्राणी हैं, आपने संस्थाएं बना ली, इस संस्था में क्या, आपने शादी की व्यवस्था बना ली, आपने अपने लिए लोकतंत्र बना लिया, आपने अपने लिए शिक्षा की संस्था बना ली, अपने लिए अस्पताल बना लिए, तो मनुष्य यह कार्य कर सकता है। ठीक है, उसने क्या किया, सामूहिक प्रयास किया सभी व्यक्तियों ने और संस्थाओं का निर्माण किया। इन संस्थाओं को बढ़ाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में राज्य की भी उत्पत्ति हुई जिसके लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत सभी विवेकशील प्राणियों ने मिलकर बनाया। मोटा मोटी तौर पर उदारवादी ये कहता है। इसके प्रमुख विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, इसके बारे में और आगे और वीडियोस में अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि आज एक हम सरसरी निगाह देख रहे हैं लोकतंत्र में। यह विचारधारा व्यक्ति को सबसे बड़ा स्थान देती है और यह बताती है कि वह अपने स्वार्थ, वह अपने सामान्य हित में कोई टकराव नहीं है, यानी व्यक्ति के हित में और समाज के हित में कोई टकराव नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से कर लेगा, अपने हित अच्छे से कर लेगा और दूसरा व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति अच्छे से कर लेगा, अपनी स्वार्थ सिद्धि अच्छे से कर लेगा, तो हर एक व्यक्ति का स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा और उन्हीं व्यक्तियों का स्वार्थ सिद्ध करते करते पूरे समाज का स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा, दोनों में आपस में कोई टकराव नहीं है। उसके बाद राजनीति क्या है, राजनीति को भी इन्होंने बोला कि राजनीति भी सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परस्पर हितों को, आदमी किसी के कोई हित हैं, किसी को कोई हित हैं, सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है, इसी को उदारवाद राजनीति कहता है। राज्य की बात करें तो राज्य कैसा होगा उदारवाद में,
राज्य बोलता है कि आदमियों ने ही, इन्हीं उदारवादी व्यक्तियों ने ही, स्वार्थी मनुष्य ने राज्य की रचना की है, आपस में मिलके सामाजिक समझौता किया और एक सरकार बना ली। और सरकार कैसी बनाई? सीमित सरकार। कैसी सरकार? राजतंत्र वाली सरकार नहीं कि अपनी मनमानी करे, तानाशाही करे, नहीं, बहुत ही लिमिटेड गवर्नेंस, जो उसके जीवन की, संपत्ति की रक्षा करे और भारी सैनिक जो युद्ध होते हैं उससे उनकी रक्षा करे, और सीमित सरकार हो। और यहीं से संवैधानिक संसार सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का फंडा निकला। उसके बाद सरकार कैसी हो? नाइट वॉचमैन की तरह। जो सरकार है वो लोगों की तरफ से शासन करेगी, ट्रस्टी के रूप में शासन करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी। इसी को आज का लोकतंत्र की बहुत बड़ी चीज़ उदारवाद से निकलती है और आज इसको माना जाता है। नैतिक जीवन में मनुष्य कैसा होगा? नैतिक जीवन में मनुष्य क्या है? मनुष्य का अपना अस्तित्व है, मनुष्य की अपनी निर्णय लेने की क्षमता है और वह सामाजिक और कानूनी रूप का पूरी तरह से समर्थन करता है और बोलता है कि पूरा समाज स्वैच्छिक लेन देन से चलता है। मनुष्य जो भी समाज में जितनी भी गतिविधियां करता है वो अपने हित के लिए बढ़िया तरीके से स्वेच्छा से करता है, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं इसको कर लेगा। तो नैतिक, मैंने बताया कि उसको स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, उसका अस्तित्व, इस तरह के विचार नैतिकता में मिलते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में आपको पता ही है राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था थी जहाँ सारा समाज बटा हुआ था। यूरोप की बात करें तो दास प्रथा, लोगों के काम फिक्स थे, लोग श्रेणीगत बटे हुए थे, लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था। भारत की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी चारण व्यवस्था बनती है, यानी मनुष्य को ना तो स्वतंत्रता थी, वो दूसरा कार्य नहीं कर पा सकता था, तथाकथित शूद्र दूसरे कार्य नहीं कर पाता था, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि हम ये मूल्य, राजा बताता था कि हर एक वर्ग का क्या कार्य होगा, लेकिन उदारवाद में इसको किनारे कर दिया गया। उदारवाद में क्या कहा कि राज्य जो होगा, सरकार जो होगी, वो मनुष्य के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, ठीक है, कोई हस्तक्षेप ना करे। लोगों को अपना स्वार्थ मालूम है, लोग अपने हिसाब से बिजनेस कर लेंगे और यहाँ पर संपत्ति भी लोगों की निजी होगी। तो यह सिद्धांत उदारवाद पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और आज पूरी सोसाइटी पूंजीवाद पर ही टिकी हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत आदमी को क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस रेट पे बेचना है, ये हर व्यक्ति को खुद डिसाइड करने दिया जाए। राज्य का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, जिसको लेसा फेयर कहते हैं, और आज ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। स्कूलों में फीस डिसाइड करती है वहाँ की मैनेजमेंट, अस्पतालों में फीस पड़ते हैं निजी संस्थाएं। तो आप जो भी काम आज देख रहे हैं, दूध वाले से लेकर और ग्रॉसरी शॉप तक, सब पूंजीवाद को के ऊपर टिके हुए हैं। यहाँ पर निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट है। तो ये आर्थिक जीवन में राज्य की भूमिका को न्यूनतम रखा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि डॉक्टर अपना भला जानता है, दूध वाला अपना भला जानता है, शिक्षक अपना भला जानता है, और वो अपने भले के हिसाब से ऐसा प्राइस रख लेंगे जो सबके लिए उचित हो, और अगर वो उचित नहीं है तो लोग उसको नहीं लेंगे। एडम स्मिथ का भी यही कहना था कि मार्केट अपने आप ही अपने आप को बैलेंस कर लेगा। तो इसी को लेसा फेयर कहते हैं और यह पूंजीवाद को आगे बढ़ाता है। अब आपने देखा कि यह राज्य की अवधारणा कैसी चाहता है, ये एक स्नैपशॉट देख लेते हैं इसका। व्यक्ति को ये सर्वोच्च स्थान दे रहा है, व्यक्तिवाद कहते हैं जिसमें, वह अवधारणा जो व्यक्तिवाद को बढ़ाए। राज्य को समझौते के तरफ मान रहा है कि स्वार्थी लोग, अपने हित को जानने वाले लोग एक साथ आए और उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था कर ली। क्यों? जिससे उनकी संपत्ति की रक्षा हो सके, उनके जीवन की रक्षा हो सके। आर्थिक क्रिया में वो जानते हैं कि आई नो वट इज़ बेस्ट फॉर मी, मैं जानता हूँ मेरे लिए सबसे उपयोगी
क्या है, किसी भारी दैवीय शक्ति को या किसी भारी संस्था को यह बताने की जरूरत नहीं है। राज्य का भी न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य भी सिर्फ अगर तभी आए जब मेरे साथ धोखा हो रहा हो, मुझे मनमानी शर्तों पर बेचने के लिए कहा जा रहा हो, तो अगर मेरे साथ चीटिंग हो तभी राज्य का रोल हो, वरना आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई रोल ना हो, यह पूंजीवाद को बढ़ाता है। नैतिक जीवन में ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू देता है, स्वाधीन अस्तित्व को निर्णय देता है, मनुष्य के विवेक, निर्णय क्षमता और उसके स्वैच्छिक योगदान को निर्णय देता है। तो यह उदारवाद है। अब उदारवाद राजतंत्र की समाप्ति के बाद जैसे जैसे उद्योग व्यापार बढ़े तो एक नया वर्ग आया, पूंजीवाद, जिसने उदारवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। अब हम इसकी कमियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और वहीं से आपको सकारात्मक उदारवाद और न्यू लिबरलिज्म भी थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि व्यक्ति की गरिमा, लेकिन इसका एक विकृत रूप नज़र आया जब इसको 200-250 साल हो गए, औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवाद की तरफ लोग आगे बढ़ने लगे, तो लोगों ने क्या करना चालू किया, इस पूंजीवाद ने संसार को गुलामी के अंधेरे में डाल दिया। जो अमीर देश थे उन्होंने उदारवाद का विकृत रूप में साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाया और भारत और अन्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को गुलामी ला दिया। क्योंकि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद का विकृत रूप क्या है कि उसे किसी भी कीमत पे अधिक से अधिक धन कमाना है, चाहे इसके लिए दूसरे का शोषण भी करना पड़े। तो ये उदारवाद का जब नेगेटिव प्रयोग होने लगता है तो यह गुलामी लाता है। आज भी आप देख रहे हैं बड़ी का बड़ी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट के लिए श्रमिकों को बहुत कम दाम देना चाहती है। क्यों कम दाम जाना चाहती है, कि उनका मुनाफा बढ़े, ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट की कीमत तो ऊपर रखना चाहती हैं लेकिन श्रमिकों को कम से कम पैसे पे रखना चाहती हैं, उनका शोषण करना चाहती हैं। यह आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठाइए या थॉमस पिक्टी की बुक आप देखिए, ये आर्थिक विषमताएं धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है दोस्तों। यह उदारवाद का विकृत रूप पूंजीवाद के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा जब यह उदारवाद आया तो मनुष्य मशीन बन गया। मनुष्य पहले सामुदायिक जीवन जीता था, पारिवारिक जीवन जीता था, लेकिन इसने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया कि बस मेरे शरीर का कैसे भला हो, मैं अच्छे कपड़े कैसे पहनूं, मैं BMW में कैसे घूमूं, इसके यह मेरे साथ कैसे होगा। तो मनुष्य ने बाकी अपने सामुदायिक जीवन, फैमिली का जीवन छोड़ दिया और अपने ही शरीर के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मनुष्य लगातार कम काम कर रहा है तो मशीन भी बन गया, उपभोक्ता को भी बढ़ावा दे रहा है। तो जिसका प्रभाव आज क्या है, लोग शराब पीने लगे, लोग अनैतिक यौन संबंध बनाने लग गए, महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं, महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं, स्तनपान नहीं कराना चाहती हैं, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे अपना निजी, मैं स्वार्थी मनुष्य हूँ, मैं क्यों अपने माँ बाप के बारे में सोचूं। तो वो लोगों को वृद्धाश्रम में सोच रहे हैं। तो यह है उदारवाद का ही तो विकृत रूप है। इसके अलावा पर्यावरण की जो आप समस्याएं देख रहे हैं, जो नव उपनिवेशवाद, आज बड़ी बड़ी MNC रूल कर रही हैं दूसरे देशों में, अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी ला रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC का, नव उपनिवेशवाद, जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ये सब उदारवाद की ही देन है। और जब ये सारी समस्याएं आई 200-300 साल में, तो उदारवाद ने ये समझा कि ये हमारा रूप तो विकृत होता जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ और दार्शनिक आए जिन्होंने ये कहा। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल से बनाऊंगा, पर शॉर्ट में एक दो मिनट में यही समझाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने ये कहा, इसके विकृत रूप को हमको क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। समाप्त कैसे करेंगे, समाप्त ऐसे करेंगे कि ये जो आर्थिक व्यवस्था है, यह जो बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एक आदमी इतना गरीब हो गया है कि उसको अपना जीवन
बेचना पड़ रहा है, और एक आदमी इतना अमीर हो गया है कि वो दूसरों का जीवन छीन सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, तो यह व्यवस्था उदारवाद की सही से काम नहीं करेगी। तो दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम है सकारात्मक उदारवाद, जिसके दार्शनिक आए जे एस मिल, टी एच ग्रीन, ए लास्की, आर एच टर्नी। इन्होंने कहा कि ये पूंजीवाद जो विकृत व्यवस्था हो गई है, और यहीं से यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन बनता है कि पूंजीवाद के विकृत रूप को कम करना है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। राज्य पहले हस्तक्षेप नहीं करता था, अब हस्तक्षेप करेगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से जो टैक्स ले रहे हैं उनसे टैक्स लेगा, और जो गरीब हैं उनकी मदद करेगा, और राज्य बुढ़ापा पेंशन देगा, विकलांग देगा, गरीबों को शिक्षा देगा, मुफ्त में लोगों को अनाज देगा। जो आज आप देख रहे हैं जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उन सारे की नींव सकारात्मक उदारवाद में रखी गई। सकारात्मक उदारवाद में आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आप समझिए कि इसने कल्याणकारी राज्य की राज्य हस्तक्षेप करेगा आर्थिक गतिविधियों में, अपनी कंपनियाँ चलाएगा, और अगर कोई व्यक्ति पूंजीवाद के नाम पे, नकारात्मक उदारवाद के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा धन कमा रहा है तो उसको रोकने का प्रयास भी करेगा। तो इससे क्या हुआ, राज्य की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई। पहले तो सिर्फ वॉच डॉग की थी, नाइट वॉचमैन की थी, लेकिन अब वो सक्रिय खिलाड़ी के रूप में आ गया। जैसे आप देख रहे हैं भारत देश में भी बहुत सारी कंपनियाँ सरकार की ही हैं, बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ सरकार की ही हैं, शिक्षा भी देती है, आर्थिक गतिविधियों में भी लगती है सरकार, सड़कें भी बनाती है, बांध भी बनाती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है। तो एक तरफ किसके नाम पे आई कि समाज का जो शोषित वंचित वर्ग है उसका भला किया जा सके, ये सकारात्मक उदारवाद का मूल शॉर्ट में मैंने आपने बताया। तो यह आगे बढ़ने लगा, तो लेकिन पिछले कुछ समय से करीब 30-40-50 साल से लोगों ने देखा सकारात्मक उदारवाद में भी कमियां हैं। सकारात्मक उदारवाद में भी कमियां क्या हैं, जब राज्य ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों में आ गया तो आर्थिक विकास धीमा पड़ गया। आप देख रहे हैं कि भारत और जो आस पड़ोस के देश हैं वहाँ पर जहाँ भी सकारात्मक उदारवाद की बात हुई है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ कम हो गई हैं। तो हम जो काम करना चाहते हैं उन पर तो टैक्स लगाते हैं, और जो मुफ्त खो रहे हैं उनको फ्री में डोल्स देते हैं, सब्सिडियाँ देते हैं, पेंशनें देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है, और जो ये कहा गया था कि सकारात्मक उदारवाद से लोगों का भला हो जाएगा तो कहाँ गरीबी मिट रही है, कहाँ पे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार कम हो रहा है। इसने सकारात्मक उदारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार फैल गया है और राज्य अपनी मनमानी कर रहा है। इससे तो ना जो व्यक्ति काम करना चाहता है पूंजीवादी व्यवस्था में उसका ही भला हो पा रहा है, और ना ही राज्य का ही भला हो पा रहा है, और ना ही गरीबी मिट पा रही है। तो इस वर्ग के दार्शनिक हेयेक हैं, एक नॉजिक हैं, फ्रीडमैन हैं, इन्होंने कहा रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, कि राज्य अपनी गतिविधियों से बाहर आए, जो जो काम उसने करने के लिए वो लग गया है उनको ना करें, और वो सिर्फ यह देखे कि राज्य की एक सीमित भूमिका हो। तो इसी विचारधारा को नव उदारवाद कहते हैं, ठीक है, न्यू लिबरलिज्म इसको कहा जाता है। तो ये तीन विचारधारा मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, पर मेरा मुख्य फोकस था उदारवाद की। तो आने वाली वीडियोस आप देखते रहिए। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ से करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसकी कक्षाएं जल्दी ही चालू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।